चलिए अब एमपी की तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। दो महीने बाद एक दिन में 1140 संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 10 दिन में 7500 के पार पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची है। एमपी में संक्रमण दर 5.5% पहुंचा है। इंदौर में आंकड़ा एक बार फिर से 300 के पार पहुंच गया। 302 मामले इंदौर से सामने आते हैं और भोपाल से 203 नए केस सामने आए हैं। अब तक 3900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एमपी के 3 शहरों में रविवार को फुल लॉकडाउन है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कल फुल लॉकडाउन का ऐलान खुद मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। वहीं 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। जितेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि 2 महीने बाद एक बार फिर से हमें वही आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 1140। अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा। अब किस तरीके से जनता सतर्क होती है, किस तरीके से प्रशासन सख्ती बरतता है? अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखिए 1140 केसेस पॉजिटिव आना ये अपने आप में चिंता का विषय है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो लॉकडाउन है उसका रास्ता अपनाया जा रहा है। हालांकि ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे शुरू की गई है। आपने देखा पहले कि भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कर्फ्यू लगाया गया है, पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है और रात्रि 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि कुछ इसमें नियम जरूर बनाए गए हैं क्योंकि बच्चों के एमपीपीएससी के जो एग्जाम है वो भी होना है, उसके अलावा कई ऐसी चीजें जो होना है जिसको लेकर नियम बनाए गए हैं। लेकिन देखिए, आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। और आज से हम अगर एक साल पहले की बात करें तो आपने देखा था कि आज, जैसे कि आज 20 तारीख है, 21 तारीख यानी कि कल के दिन लॉकडाउन रहेगा। और अगर हम एक साल पहले देखें तो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया गया था देश के अंदर पहली बार। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोरोना यूटर्न हो रहा है और एक बार फिर से जो पुरानी घटनाएं सामने निकल कर आई थी वो आना शुरू हो रही है। और लॉकडाउन से शुरुआत की जा रही है और धीरे धीरे करके अगर मामले इसी तरह भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बढ़ते रहे तो कहीं पूरी तरह से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन ना लग जाए, इस और भी सरकार फैसला ले सकती है क्योंकि आंकड़े लगातार डराने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक दिन के लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ता है, क्या लोगों को इस बात में समझ आती है कि हाँ हमें कोरोना के नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन देखिए, वहीं दूसरी ओर यह भी देखने को मिल रहा है कि कई जगह ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर लोगों की गैदरिंग बढ़ रही है, जहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है और लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है। लेकिन उन्हें राज्यों के, क्योंकि अगर 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां से रिपोर्ट आ रही है तो जनता के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर होता है कि आखिर मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे जिन राज्यों में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी वो विश्वास जगाना एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस ओर और क्या कदम उठाती है ताकि लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन जैसी जो गंभीर परेशानियां उसका सामना ना करना पड़े और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो सकें। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आखिर क्या होता है। निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से सख्ती बरतता है, क्वारंटीन की व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे इलाज की व्यवस्था की जाती है और कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है। क्या इस एक दिन के लॉकडाउन से आगे भी ऐसे एग्जाम्पल सेट करके लॉकडाउन लगाया जा सकता है, अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते हैं या नहीं। आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे बढ़ते कोरोना को लेकर। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों के सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 3 दिनों से ज्यादा संख्या बढ़ने से प्रशासन ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसके चलते 21 मार्च से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बस परिवहन बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। अब ना तो महाराष्ट्र की बसें मध्य प्रदेश आएंगी और ना ही मध्य प्रदेश की बसें महाराष्ट्र के अंदर दाखिल हो सकेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ने से मध्य प्रदेश के उन जिलों में चिंता बढ़ गई है जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं। परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली बसों का 21 मार्च से परिवहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की ओर से जाने वाली बसों के लाइसेंस अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बैतूल कलेक्टर ने कोरोना के लिए सतर्कता बरतने के लिए कई निर्णय लिए हैं। तो राज्य शासन की ओर से महाराष्ट्र से आने वाली बसेज और यहाँ से महाराष्ट्र जाने वाली बसेज पर 21 तारीख से रोक लगा दी गई है। उनके लाइसेंसेस को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इस बारे में हम लोग भी अपने ब्लॉक लेवल पे सभी ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस प्रकार का मूवमेंट ना हो। वहीं महाराष्ट्र आने जाने वालों की जाँच भी की जा रही है। यही नहीं, कोरोना संक्रमण को लेकर बैतूल में घने बाजारों को शिफ्ट भी कर दिया गया है जिससे भीड़भाड़ कम हो सके। इसके अलावा होली के त्यौहार को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। हम लोगों ने शहर के अंदर कुछ जो घने बाजार हैं उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉमन जगहों पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। हमारे कोविड रथ भी बनाए गए हैं जो कि नगरी एरिया के अंदर घूम रहे हैं।
होम आइसोलेशन के केसेस में यदि किसी की का उल्लंघन पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। बैतूल में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों को यात्रा करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खैर, कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए लोगों को चाहिए कि मास्क लगाएं और खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बैतूल से राजेश भाटिया, टीम न्यूज़ स्टेट।